हाउ टू क्रिएट योर बैकअप। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम। आज हम बात करेंगे कैसे आप अपना बैकअप क्रिएट कर सकते हो वर्डप्रेस वेबसाइट का, जिससे आपको बहुत हेल्पफुल हो मिलेगा, बहुत आपको हेल्प मिलेगी अगर आपकी साइट क्रैश होती है या आपका कोई एरर आ जाता है वेबसाइट में, कोई भी बग आता है तो आप उसको रिस्टोर कर सकते हो और आप बैकअप को अपने क्लाउड में सेव कर सकते हो, जिसमें हम क्लाउड स्टोर में जिसमें हम कभी भी डाउनलोड करके उसको बैकअप अपलोड करके हम दोबारा अपनी साइट को रिस्टोर कर सकते हैं, जिससे हमारे ना पेजेस भी रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे और हमारा टाइम टू टाइम बैकअप बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर हमारी साइट क्रैश हो जाए या हमारा सर्वर कोई इशू कर जाए या हमारी वेबसाइट में कोई एरर आ गया 500, 503, ये कई बार एरर हमारे को देखने पड़ते हैं कि हमारी साइट पर आ गया, हमारी साइट ही नहीं चल रही है, हमने गोडैडी को भी कॉल करा, कहीं जगह लोगों से हेल्प ली, नहीं हो पा रहा है और फिर हमें दोबारा से साइट क्रिएट करनी पड़ती है। इससे अच्छा है हम पहले से ही बैकअप रेडी करके रखें, जिससे क्या होगा आपको कभी भी कोई इशू आता है आप रीश्योर करके उसी टाइम अपनी वेबसाइट को दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब और बेल बटन भी ज़रूर दबाइएगा। लेट्स मूव टू द स्क्रीन। जैसे कि मैंने अपनी साइट ओपन कर लिया, आप देख पा रहे हैं ये मेरी साइट है marketingdefinitions.com। आज हम इसका बैकअप लेंगे। तो हम एक काम करते हैं, जैसे अब ये साइट है इसका पहले बैकअप बनाते हैं। तो बैकअप के लिए हम क्या करते हैं, अपना वर्डप्रेस लॉगिन कर लेते हैं। अपने डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना है प्लगइन्स में, क्योंकि हमें एक प्लगइन की जरूरत पड़ेगी इसको बैकअप क्रिएट करने के लिए। तो हम एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं, ऐड न्यू, ये मैंने ऐड न्यू पे क्लिक कर दिया। अब एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेते हैं, पहले हम सर्च करते हैं अपड्राफ्ट। अपड्राफ्ट एक प्लगइन है जो हमें हेल्प करता है बैकअप क्रिएट करने में। अब यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं अपड्राफ्ट, ये जैसे कि अब पहला रिजल्ट हमें मिल रहा है अपड्राफ्ट, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इसको इंस्टॉल करने के बाद हम क्या करेंगे, बैकअप क्रिएट। इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि ये आपकी ड्राइव पे सेव हो जाता है बैकअप। तो आप टाइम टू टाइम ड्राइव पे अपना बैकअप क्रिएट कर सकते हैं। कई बार आपका पीसी में कोई इशू आ गया, डिलीट हो गया, तो बट ड्राइव से तो डिलीट होगा नहीं, आपके अकाउंट से कनेक्टेड है तो हमेशा ड्राइव पे सेव कर सकते हो। अगर आपको S3 यूज़ कर रहे हो अमेज़ॉन, तो अमेज़ॉन S3 में भी आप स्टोर कर सकते हो। इसमें कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, जहाँ आप स्टोर करना चाहो वहाँ कर सकते हो अपना बैकअप क्रिएट। जैसे कि अब कंप्लीट हो चुका है, इंस्टॉलेशन हो चुकी है, अब इसको हम एक्टिवेट कर लेते हैं। ये एक्टिवेट हो गया है। एक्टिवेट होने के बाद आपको जाना है इसकी सेटिंग्स में। अब इसकी हम सेटिंग्स ओपन कर लेते हैं। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद ये हमें पहले ही ऑप्शन दे रहा है बैकअप। तो बैकअप ऐसे क्रिएट नहीं करना, पहले हमें क्या करना है, पहले हमें अपना ड्राइव को कनेक्ट करना है इससे, कि जो भी बैकअप ले वो सीधा ड्राइव पे सेव हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, पहले अमेज़ॉन अपने गूगल ड्राइव को कनेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे जाके। अगर आपको अमेज़ॉन से लेना है तो आप अमेज़ॉन S3 से ले सकते हो, मैं गूगल ड्राइव से ले रहा हूँ, मैंने गूगल ड्राइव कनेक्ट कर लिया। तो अब मैं इसको यहाँ से नीचे जाके इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे कि ये लिंक आ गया है, आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद ये आपके अकाउंट से लॉगिन होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना एक और ऐड अकाउंट कर लेता हूँ जिससे मैंने वेबसाइट बनाई है। तो मैंने यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी डाल दिया है। लॉगिन करने के बाद आपको इसके साथ कनेक्ट करना है, इसको परमिशन अलाउ करना है। जब ये अलाउ हो जाएगा तो ये अब डाटा से डायरेक्टली सेव कर पाएगा। अब कंप्लीट सेटअप करके ये डन हो चुका है। अब हम इसको कंप्लीट सेटअप कर देते हैं। कंप्लीट सेटअप करने के बाद आपको अब बैकअप क्रिएट कर सकते हो। अब आप बैकअप पे क्लिक करेंगे तो ये आपका बैकअप बना देगा आपकी ड्राइव पे। आप उसे कभी भी डाउनलोड करके रिस्टोर कर सकते हो। अगर आपका कोई भी एरर या कोई भी बग आता है तो आप उसको डायरेक्टली रिस्टोर कर सकते हो। तो हम बैकअप पे क्लिक कर देते हैं। अब ये पूछ रहा है कि कौन कौन से बैकअप कर, क्या क्या चीज़ें स्टोर करनी है, तो हम सबको क्लिक कर देते हैं, ठीक है, और बैकअप नाउ कर देते हैं। अब ये बैकअप बनना स्टार्ट हो चुका है। जैसे ये कंप्लीट होता है, जैसे ये बैकअप कंप्लीट हो जाता है, वैसे हम जाके ड्राइव पे चेक कर लेंगे कि हमारा बैकअप कैसे बैकअप बन गया है, कौन से फोल्डर है, सब कुछ आपको वहीं दिख जाएगा। जैसे कि ये बैकअप कंप्लीट हो ही रहा है, तो तब मैं अपनी ड्राइव ओपन कर लेता हूँ।
ड्राइव ओपन करने के बाद आपको अपना दिख जाएगा कि फोल्डर अपड्राफ्ट के नाम से फोल्डर क्रिएट हो गया होगा उसमें, जिससे मैं अपनी ड्राइव ओपन कर चुका हूँ, और ये अपड्राफ्ट का आपको फोल्डर दिख रहा होगा मेरी स्क्रीन पे। हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के बाद आपको कहीं सारे रिजल्ट दिख रहे हैं। ये मेरा पुराना बैकअप भी है, ठीक है, तो ये मेरी दूसरी साइड का बैकअप है, तो नीचे मेरा नया बैकअप है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये हमारा बैकअप बन चुका है, अब हम अपनी साइट चेक कर लेते हैं। तो अब क्या करते हैं, हम इसको अनस्टोर कर लेते हैं, जिसे हम दोबारा रिस्टोर करके चेक कर सकें कि ये सही से बैकअप स्टोर हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैंने इसको अनस्टॉल कर लेता हूँ, फिर हम इसको दोबारा अपलोड करके चेक करेंगे कि बैकअप बना है या नहीं। ये आपको करने की जरूरत नहीं है, आप बैकअप बना के रख लो, अगर आपको कभी प्रॉब्लम आए तो आप ये कर सकते हो। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि कैसे आपको अपलोड भी करना है, कैसे रिस्टोर करते हैं, वो भी मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ। ये अनस्टॉल हो चुका है, अब मैं दोबारा से इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ अपने वर्डप्रेस को। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद अब मैं दोबारा से अपना एडमिन पैनल ओपन कर लेता हूँ। ये इंस्टॉल हो जाता है, जैसे ही अब मैंने ये फिल करके इंस्टॉल कर दिया। अब इंस्टॉल होने के बाद हम क्या करेंगे, अपना एडमिन पैनल ओपन कर लेंगे वर्डप्रेस पे। वर्डप्रेस पे हम चले जाते हैं, ठीक है। वर्डप्रेस पे जाने के बाद अब क्या करना है, हमें रिस्टोर करना है। मैंने एक थोड़ा सा स्किप करा है, जिससे प्लग इन इंस्टॉल ना करना पड़े, क्योंकि आप देख चुके हो प्लग इन। मैं डायरेक्टली रिस्टोर करके दिखा देता हूँ आपको। अब मैं क्या करता हूँ, नीचे ये रीस्कैन का हमें दे रखा है, इसको हम रिस्टोर कर लेते हैं यहाँ से। इस पर क्लिक करना है आपको, क्लिक करने के बाद आपका ये ओपन हो जाएगा। ये मेरा अकाउंट कनेक्ट हो चुका है, तो इसलिए मुझे रिस्टोर का ऑप्शन नीचे शो कर रहा है, ठीक है। अगर आपका अकाउंट कनेक्टेड होगा तो आपको ये शो करेगा, अगर आपको ये शो नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, अपना ड्राइव पे जाके इन सबको डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि मैंने सेलेक्ट ऑल करके डाउनलोड कर लिया, आप सिंगल सिंगल भी करके डाउनलोड कर सकते हो, जैसे आपको सही लगे आप वैसे उसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड हो जाने के बाद आपको क्या करना है, अपना इसको अपलोड करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये डाउनलोड हो गया है, ये डाउनलोड हो चुका है। तो क्या कर लेते हैं, अब इसको रिस्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब डाउनलोड हो चुका है, डाउनलोड करने के बाद अगर आप इसको अपलोड करना चाहें तो यहाँ से आप डायरेक्टली इसको अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई इशू आ रहा है, मतलब कि जैसे नीचे वाला ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। जैसे ये मैंने अपलोड पर लगा दिया, ये आपको पाँचों को एक एक करके लगाना है अपलोड पर। ये पांचों कंप्लीट होते ही आपको डेटाबेस, ठीक है, प्लगइन्स, थीम्स और अपलोड्स, ये पूरा आपको अदर सारी फाइल्स आपको एक साथ स्टोर हो जाएंगी। उसके बाद आपको एक रीस्टोर करना है। जब तक आपको रीस्टोर नहीं करना है, जब तक ये सब अपलोड ना हो जाए, ठीक है। अगर आप में अपलोडेड है, आपको शो हो रहा है, तो आप डायरेक्टली रीस्टोर कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली इसको यहाँ से कंप्लीट होते ही रीस्टोर कर लेता हूँ। अब ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, रीस्टोर पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब हमें रिस्टोर करना है, तो हम यहाँ से डायरेक्टली रिस्टोर पे क्लिक कर देंगे। रिस्टोर पे क्लिक करने के बाद इन सबको चेक इन करना है कि हमें प्लगइन भी इंस्टॉल हो जाए अपने आप, थीम भी है और अपडेट्स वगैरह जितने भी हमारे सब कुछ एक साथ अपने आप इंस्टॉल हो जाए, ठीक है। जैसे ये अपडेट कम्प्लीट होता है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब जैसे कि ये कम्प्लीट हो रहा है, वेरीफाई कर रहा है, वेरीफाई होते ही ये हमें पूरा चेक इन कर लेगा ये पूरा। जैसे ये कम्प्लीट होता है तो ये हमें एक स्क्रीन देगा बैक के लिए, जैसे कि ये हो चुका है कंप्लीट, ऑल कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं, बैक करके अपनी वेबसाइट पे चले जाते हैं। वेबसाइट पे जाके हम चेक करेंगे कि हमारी वेबसाइट जो हमने बैकअप लिया था, उसको रिस्टोर किया है, वो सही से हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसलिए हम अब रिटर्न कर लेते हैं स्क्रीन पे, ठीक है। रिटर्न करने के बाद हम अपनी साइट यहाँ पे आ चुके हैं, अब अपनी साइट को हम ओपन कर लेते हैं। अब देख रहे हैं आप, साइट हमारी कम्प्लीटली रिस्टोर हो चुकी है, जो फोटोज़ थी सब कुछ आ चुका है। अब हमारे यहाँ बैकअप भी कम्प्लीट हो चुका है, रिस्टोर भी करके मैंने आपको दिखा दिया है। ऐसे आप कितनी भी कोई भी साइट का बैकअप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।